हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? कुछ यूनिट्स के बारे में, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, कुछ यूज़फुल यूनिट्स और कुछ एसआई सिस्टम की यूनिट्स. ठीक है, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है बेसिकली? सपोज मैं कहूँ मेरे पास 9 मीटर क्लॉथ है. अब मैं उस 9 मीटर को कैसे स्पेसिफाई करूँगी? मैं उसे अप्रॉक्सीमेट कह दूँगी 10 है मेरे पास. ठीक है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर ना हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता उस चीज़ की, हमें ये बताता है कि वो 10 की पावर में क्या शो कर रही है. 10 की पावर में कैसे? जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. 1 है हमारे पास. सबसे पहले 1 की पावर क्या होगी 10 में? 10 की पावर 0. किसी की भी पावर लो वो क्या होती है? 0. तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर हो गया 0. सपोज़ मैंने एक और नंबर लिया 49. नेक्स्ट एग्जांपल 49 क्या होगा यहाँ पे? तो इन सबको ना हमें सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ता है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी नंबर को एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. फॉर्म कैसे? फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट, जो डिजिट है, उसके बाद डेसिमल और उसके बाद बाकी सब नंबर. जो बाकी सब बच गया उसको मल्टीप्लाई 10 की पावर में कर दो. ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ 49 है, हम क्या करेंगे? यहाँ पर 49 लिया, अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगी बीच में तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से. यहाँ पर 10 की पावर क्या है? 1. तो अब देखो, ये हो गया मेरा 4.9. अब 4.9 क्या है? मेरा 5 से छोटा नंबर है. अगर हमारे पास 5 से छोटे नंबर हो तो हम उसे 1 रख देंगे ऑटोमेटिक, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1. सपोज हमारे पास कोई नंबर है 501. अब इसे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5.01 कर दिया. कितने डेसिमल्स के बाद लगा? 1, 2. तो कितने पावर आई? 10 की पावर 2. अब देखो, ये वाला जो नंबर है ये 5 से बड़ा है. अगर 5 से बड़ा नंबर हो तो हम क्या करते हैं? उसे लिख देते हैं एज़ यहाँ पर दिखाया हुआ है, 10 लिख देंगे. क्योंकि हमें सब कुछ ऑर्डर में देना है, एग्जैक्ट नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है. तो हमें हमारे पास यहाँ क्या आ गया? 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2. तो कितनी हो गई पावर? इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2. जब नीचे बेस सेम हो तो पावर क्या आ जाती है? ऐड. 10, 1 प्लस 2. तो यहाँ पे क्या आ गया? 10 की पावर 3. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3. सपोज़ कोई नंबर डेसिमल में है, जैसे डेसिमल में है नंबर हमारे पास, तो हम इसे क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए फिर वही, ये कितना है यहाँ पर? हम यहाँ लिखेंगे 4.9. कितने डेसिमल शिफ्ट किए? 2. अब हमने डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट नहीं किया, लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर -2. ठीक है, ऐसे चीज़ें दिखाया हुआ है. अब 4.9 5 से फिर छोटा है, तो छोटे को क्या लिख देंगे? 1. तो 1 से जैसे ही रिप्लेस किया, इसका ऑर्डर क्या हो गया? -2. क्लियर? अब हमने तीन ही हमारी बेसिक यूनिट्स के बारे में बात की थी, लेंथ, मास और टाइम. अब इन तीनों की जब इनिशियल मेजरमेंट स्टार्ट हुई, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो कहाँ से स्टार्ट हुई? उसके लिए हमें पता होना चाहिए ना कि इनकी वेरिएशन क्या है पूरे यूनिवर्स में, मतलब कितनी छोटी से और कितनी बड़ी चीज़ है. ओके, देखो, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर वर्ल्ड. अब ये दो सिस्टम्स में डिवाइडेड है हमारा वर्ल्ड, मैक्रोकॉस्मिक और माइक्रोकॉस्मिक. मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब बहुत छोटा. मैक्रो में क्या जाएंगे? मैक्रो में आ जाएंगे हमारे प्लैनेट्स, स्पेस, गैलेक्सी, आउटर वर्ल्ड. और माइक्रो में बहुत छोटी चीज़ें,
एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब चीज़ें। अब देखो यूनिवर्स कितना बड़ा है और एटम कितना छोटा, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा लेंथ का वेरिएशन आ जाएगा। सपोज़ हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन है उसका साइज़ कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10^-15 मीटर, और जो हमारा यूनिवर्स है उसका साइज़ कितना होगा, 10^26 मीटर। जो यहाँ पर मैंने ये साइन यूज़ किया है, ये साइन इक्वल टू का साइन नहीं होता, ये होता है अप्रॉक्सीमेट का साइन। मतलब ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, ये हमें ऑर्डर शो कर रहा है सिर्फ कि किस ऑर्डर में हो सकता है। ओके, जैसे हम कुछ साइज़ की बात करें तो हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। अगर हम एक साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन लें, आज के टाइम में हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, तो उसका साइज़ किस ऑर्डर में होगा, 10^-16 मीटर। और अगर मैं सबसे बड़ा लूँ, सबसे बड़ा हमारा यूनिवर्स, उसका साइज़ आज तक कितना मेज़र कर सके, 10^26 मीटर। ओके, अब जो ये हमने लेंथ देखी है ये छोटी भी है और बड़ी भी है, तो इसके लिए अलग अलग स्केल्स चाहिए मेज़र करने के लिए। तो जो ये मेज़रमेंट है वो छोटे से बड़े कैसी मेज़र होगी? अब कुछ तो हमारे पास डिवाइसेस बना ली हमने जिनसे हम लेंथ मेज़र कर सकते हैं, जैसे स्केल हो गया हमारा, उससे छोटी लेंथ को मेज़र करने के लिए वर्नियर कैलिपर आ जाता है जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं, फिर उससे भी छोटी लेंथ के लिए स्क्रू गेज आ जाता है, वो भी लैब्स में यूज़ होता है। पर उन लेंथ्स का क्या करें जो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं? तो ऐसी लेंथ को मेज़र करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मेथड्स होते हैं जिसमें हम स्केल यूज़ कर लेते हैं हमारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते पर किसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो ऐसे कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं हमारे पास। हमारा फर्स्ट मेथड है इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। इको तो आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। इको क्या होता है? जब साउंड किसी चीज़ से टकरा के वापस आती है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर हमारी कोई हिल है या कोई माउंटेन है और हम यहाँ पी पॉइंट पे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट से हमने साउंड वेव भेजी, साउंड वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक्स, और वो वहाँ से टकरा के वापस आ गई, एक्स। हमने ये टाइम नोट किया कितने देर में वापस आई है। ओके, तो हमारी साउंड वेव ने टोटल कितना टाइम ट्रैवल करा, सॉरी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, x+x 2x। और हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमें डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 2x। टाइम हमने मेज़र कर लिया उस टाइम, और वेलोसिटी हमें पता होगी कि किस साउंड को किस वेलोसिटी से भेजा गया। तो यहाँ से फॉर्मूला मिल गया हमारे पास, x इज इक्वल टू वी इंटू टी बाय 2। सेकेंड मेथड है लेज़र मेथड। लेज़र में क्या होता है, एक लेज़र बीम भेजते हैं हम दूर। ये लेज़र मेथड ना नॉर्मली हमारा कहाँ यूज़ होता है, जैसे हमें यहाँ से मून का डिस्टेंस लेना है, ऐसी जगहों पे हम लेज़र मेथड यूज़ करते हैं। लेज़र मेथड में क्या होता है, एक परफेक्ट लेज़र बीम तो सबने देखी होगी, वैसी लेज़र बीम यूज़ करते हैं और रिफ्लेक्ट होके वापस आती है चीज़ से, जैसे हमने अर्थ से लेज़र भेजी और वो मून से रिफ्लेक्ट होके वापस आई। ठीक है, उसे वहाँ जाने और आने में कितना टाइम लगा वो हमने नोट किया। तो सिमिलरली डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स जाने का एक्स आने का 2x, और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, सी, यानी कि 3×10^8 m/s। और टाइम यहाँ से भी एक्स का फॉर्मूला आ गया, एक्स इज इक्वल टू सी इंटू टी बाय 2। जो हमारा थर्ड मेथड है वो है रडार मेथड। रडार मेथड में क्या होता है, रडार की फुल फॉर्म क्या होती है, रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें हम रेडियो वेव यूज़ करते हैं, सिमिलर पहले दोनों मेथड जैसा ही है। इको मेथड में साउंड यूज़ की, लेज़र मेथड में लेज़र लाइट यूज़ की, और रडार में क्या यूज़ करेंगे, रडार में रेडियो वेव्स यूज़ करेंगे। वो रेडियो वेव क्या होगी, जाके टकराएगी वापस आएगी, तो सिमिलरली होगा इसका भी सब। हाँ देखो, एक्स इज इक्वल टू सी इंटू टी बाई 2। नेक्स्ट फोर्थ मेथड है सोनार मेथड। सोनार 9th क्लास में सबने पढ़ा होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कहाँ यूज़ होता है ये यूज़ होता है हमारा सी में,
जब हमें सी की डेप्थ देखनी हो या कोई ऑब्स्टेकल हो किसी की, कुछ भी मेज़र करना हो ऐसा। सिमिलरली इसमें कौन सी वेव यूज़ होती है? अल्ट्रासोनिक वेव। हमारे सिस्टम, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी वेव्स होती है, उनका हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अल्ट्रासोनिक वेव को भेजेंगे, वो टकराएगी किसी चीज़ से, वापस आएगी, उसका टाइम नोट करेंगे। सिमिलरली हमारे पास x का फॉर्मूला आ जाएगा, x इज इक्वल टू वी इंटू टी बाय टू। नाउ नेक्स्ट मेथड इज ट्राइंगुलराइजेशन मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नाम से साफ है ट्राइंगुलर मेथड यूज़ करेंगे। आपने वो पढ़ा होगा ना, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ किसी ओ पॉइंट पे खड़ी हूँ, ओके, और मुझे ओ से पॉइंट पे खड़ी हूँ और मेरे सामने कोई एक बिल्डिंग है जो जिसकी हाइट कितनी है, ए बी, मुझे नहीं पता और मुझे मेज़र करनी है, तो मैं क्या करूँगी अब इसके लिए, मैं ओ से बी तक का डिस्टेंस देख लूँगी। सपोज़ मैं किसी बिल्डिंग के नीचे खड़ी हूँ, डिस्टेंस तो 10-15 मीटर ही हुए मेरा, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, तो क्या करेंगे हम, जो ये एंगल है ना, इस एंगल को सबको पता है क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को मेज़र कर लूँगी मैं। इस एंगल को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है सेंटेक्स, उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। मेज़र हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया x, ये क्या हो गया हमारे पास h। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दें h और x में, कौन सी, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है बताओ जल्दी, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी, और बेस क्या है, ओ बी। तो ये क्या आ गया, एच बाई एक्स, ये क्या हो गया, एच यहाँ से कितना निकल गया, एक्स इंटू टेंजेंट थीटा। अब सपोज़ यहाँ पे हमें एक्स पता था कि हम पास ही खड़े थे बिल्डिंग के, कुछ केसेस ऐसे भी तो होते हैं हम बहुत दूर खड़े हैं, किसी माउंटेन का सपोज़ हमें हाइट निकालनी है और हम बहुत दूर खड़े हैं माउंटेन से, अब हम वो डिस्टेंस तो मेज़र नहीं कर सकते ना हमारे और माउंटेन के बीच का। ऐसे केसेस में जहाँ हमारे पास एक्स हमें पता ही ना हो, ऐसे केस में क्या करेंगे हम, दूसरा मेथड लगाएंगे ट्रायंगुलर का ही। इस मेथड को, जो ये पर्टिकुलर हमने पढ़ा जहाँ हमें एक्स पता था, इसको क्या बोलते हैं, असेसिबल मेथड। दूसरा मेथड क्या होएगा, ऐसा हमें पता ही नहीं, वो मेथड क्या होएगा, इन असेसिबल मेथड। उसमें क्या करेंगे हम, सपोज हमें अब हमारा एच मेज़र करना है, ठीक है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पहले डी पॉइंट पर खड़े हो जाएंगे और फिर सी पॉइंट पर, क्लियर। सी और डी पॉइंट पे दोनों पे एंगल मेज़र कर लेंगे, ओके। अब मुझे सी और डी पॉइंट के बीच डिस्टेंस तो पता ही है कि मैं कितना शिफ्ट हुई हूँ, मैं डी पे खड़ी थी और कितनी पीछे आई, मान लो मैं 10 मीटर पीछे आ गई, तो मुझे एक्स पता है ना वहाँ पे कितना। अब तो मैं क्या करूँगी, अब मैं थीटा वन और थीटा टू को सिमिलरली मेरे इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर लूँगी। अब जो हमारा बड़ा ट्राइंगल है, कौन सा बड़ा ट्राइंगल, ए बी सी, इस ट्रायंगल में कोट थीटा निकालूंगी। कोट थीटा वन क्या होएगा, कोट की फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो क्या आ गया ये, सी बी बाय ए बी। सिमिलरली कोट थीटा टू निकाल दूंगी, वो भी क्या आ गया, डी बी बाय ए बी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को माइनस कर लूंगी। माइनस करते ही क्या आ गया मेरे पास, सी बी बाई ए बी माइनस डी बी बाई ए बी। अब इनका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो इसे कॉमन ले लेंगे, सी बी माइनस डी बी बाई ए बी। अच्छा अब फिगर से देखो, ये मेरे पास सी बी है, ये मेरे पास डी बी है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या बचता है, एक्स। तो ये क्या आ गया ऊपर, एक्स बाई एच, और मुझे निकालना क्या था, एच। तो एच क्या आ गया यहाँ पे, एच इज इक्वल टू एक्स बाई कोट थीटा वन माइनस कोट थीटा टू, ठीक है। अब ना इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है लेंथ मेज़र करने का, पैरेलेक्स मेथड बोलते हैं उसे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।